नमस्कार साथियों, मेरा नाम राकेश और मैं आपको लेकर आ गया हूँ मशरूम ग्रोइंग की स्टेप टू की वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये देखिएगा पूरा हमारा भीगा हुआ है। अब स्टेप टू की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले जो मुर्गी की बीट होती है वो मिक्स करने के लिए इसके ऊपर डाल देंगे। मुर्गी की बीट को डाला जा रहा है, ये इसकी परसेंटेज के हिसाब से डाला जाता है भूसे की, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कितनी परसेंट कौन सी मात्रा डाली जाती है। तो स्टेप टू में हमारा क्या होता है, मिक्सिंग आ जाती है। तो आज पूरी मिक्सिंग हम दिखाएंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बटन मशरूम के लिए हम आदि बना रहे हैं। चिकन के बीट जो मुर्गी की बीट होती है उसके अलावा और भी जो चीज़ें डलती हैं वो भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। स्टेप टू की सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं। बने रहिए अंत तक। और कितनी परसेंट डलेगी, क्या क्या डलेगी, वो सारी विद वीडियो दिखाऊंगा। ये देखिएगा, अब हमने इसको चिकन बीट और जो मुर्गी की बीट होती है वो और दूसरा क्या है जिप्सम और तीसरा यूरिया, कुछ मात्रा यूरिया की भी लगाई जाती है इसको नाइट्रोजन बनाने के लिए। तो अब इसको मिक्सिंग किया जा रहा है। इसको कम से कम 3 बार इसको इधर से उधर मिक्सिंग करेंगे, पलटी करेंगे। अभी इसको इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा करने के बाद फिर इधर पलटी होगा, फिर उधर पलटी होगा, 3 पलटी कम से कम करेंगे। और अगर आपको लगता है मिक्स बढ़िया नहीं हो पाया है तो 3 में 4 पलटी भी कर दें आप, और नहीं तो 3 पलटी में बढ़िया हो जाता है मिक्स, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जितने बारीकी से मिक्सिंग और जितने ध्यान से मिक्सिंग करोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी और चैनल को हमें कुछ नहीं पता, बाकी हम अपने चैनल की तारीफ भी नहीं करते, लेकिन हम अपनी हकीकत से रूबरू करवाते हैं अपने चैनल पर। जो भी होती है हकीकत होती है हमारी वीडियो में। इसमें भूसा है, जिप्सम है और यूरिया है और मुर्गी की बीट है, और इसकी परसेंटेज कितनी कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बात करते हैं परसेंटेज की। तो भूसे के हिसाब से जो भूसा होता है उसके हिसाब से हमने इसमें 70% मुर्गी की बीट लगाई हुई है और 1.5 से 2% लगभग हमने यूरिया इसमें मिलाया हुआ है, और जिप्सम हमने मिलाई हुई है इसमें लगभग 4.5%, और चिकन बीट जो है हमारी आपको बताई थी वो 70% होगी, यूरिया 1.5 से 2% हो गया, और जो है जिप्सम हमारा 4.5% है। तो अभी स्टेप 3 में हम इसको दिखाएंगे इसको कितने टेम्परेचर में और कहाँ रख के इसको पकाया जाएगा, क्योंकि इसको पकाना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप 3 स्टेप हमारा वीडियो आने वाला है, और जिन्होंने सारे स्टेप हमारे ये देखने हैं मशरूम लाइन के वो हमारी वीडियो को लाइक कर दे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाल बटन दबाकर। धन्यवाद।